मैं पता है इसने आज क्या किया? क्या? नीचे बुरी तरह से बिल्ली से लड़के आई है जो नीचे बैठी रहती है। इसकी बॉल बिल्ली में जाके गिरी। हाँ। और बिल्ली ने अपना पंजा ऐसे किया और ये उस पर कूद गई, तो बिल्ली अपनी प्रोटेक्शन में इससे लड़ी। क्या बात कर रही हो? तो मारा इसको क्या? दोनों ने एक दूसरे को मारा। लेकिन उसने तो फाड़ दिया होगा उसको, उसके तो पंजे शार्प होते हैं। चेरी मुदगा, अरे आँख से खून निकल रहा है। हाँ, मार दिया बिल्ली। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज गए हैं, बताती हूँ, 10:30। मैं तैयार हूँ, मैंने अभी मतलब यही पहना हुआ है क्योंकि मुझे अभी एक्सरसाइज करनी है अपनी। और अविनाश यहाँ पे कुछ कर रहा है। बेबी हाय बोल दो। हाय गाइस, एक दिन और निकल गया, कैंडी की डिलीवरी नहीं हुई, एक और रात निकल गई। रात को मेरे पास आई, वो सोई रोई भी, उसने मेरे से पूरी मसाज कराई, हाफने की एक्टिंग की, मैंने मसाज भी कर दी, फिर वो सो गई मुझे पागल बना के। और उसके बाद से यहाँ बैठी है, वेट कर रही है कि मैं नीचे घुमाने ले जाऊँ। मैं जाती हूँ बेबी, इसको नीचे लेके जा रही हूँ। जाओ चलो कैंडू, आओ आओ घूमी घूमी करके आ जाओ, आओ जल्दी से जाओ कैंडी जाओ। भाई घूम भी हो गई, चाय पी सकते हैं, पहले नाश्ता तो कर लें। तुम्हें नाश्ता नहीं करना? नहीं। क्यों, इंटरमिटेंट कर रही हो? नहीं नहीं, मतलब मैंने मन नहीं करा। ठीक है, मैं नाश्ते के बाद चाय पीऊंगा। नाश्ते में क्या है? पोहे के अलावा बताना, पोहा बताया तो लोहा से मारूंगा। क्या है? साबूदाना। तुम्हें पता है अगर मेरा ऑपरेशन हो जाए ना तो मेरे हर ऑर्गन में से सिर्फ पोहा और साबूदाना ही निकलेगा। नवरात्रि चल रहे हैं ना अभी? नहीं नहीं, वैसे भी पोहा और साबूदाना ही निकलेगा। मेरा खून कटेगा ना तो साबूदाना के दाने निकलेंगे अंदर से लाल लाल। अरे नाश्ते की बनी चाय? चाय नाश्ता आ रहा है। पंखा क्यों बंद है? ये वाला भी पंखा बंद है। हवा किधर से आ रही है? खोलेगा तो हवा आएगा ना। क्या हवा आई? अब आएगा चाय का मजा। आराम से बैठ के मेरी बेबी के पास चाय पीऊंगी। मीठी मीठी हवा, कमर दुख रही है और चाय की चुस्की। मच नीडेड गाइस। ये देखो कैसे धुसक धुसक के खाना खा रही है अपना। बच्चे का कोई नामो निशान नहीं है। कहते हैं कुत्ता एक दिन पहले खाना छोड़ देता है। बेबी वो एक दिन कब आएगा? लेकिन तुम नोटिस कर रहे हो कि मैंने खाना छोड़ दिया है? तुमने खाना छोड़ दिया है? मैंने खाना ही नहीं खाया आज। लेकिन कुत्ते के बाल के लिए खाना छोड़ दिया। अरे कुत्ता तो बहुत दबा के खाना खा रहा है भाई साहब, तुम अपना पेट चेक कराओ फिर। तो जी मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और आप देख सकते हो कि मेरी हालत क्या है। देखो पूरी भीग चुकी हूँ मैं। आज इतना इंटेंस किया ना वर्कआउट, इतना इंटेंस किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया था और उसने बोला, बिकॉज शी ऑल्सो फॉलोज माई व्लॉग्स, तो उसने बोला यार एक काम करो, अभी तुम एक तो कार्डबोर्ड लेके आओ नीचे से और उसमें कुछ न्यूज पेपर्स वगैरह डाल दो। ये भी करके देख लेते हैं, सब कुछ करके देखते हैं। दोस्तों बच्चे चाहिए ना, कुछ भी करके देखते हैं। टायर्ड हो गई, देख रहे हो मेरा भीगापन, मेरा भोलापन। तो ये क्या लेके आई हो? ये मेरे को सजेस्ट किया मेरी फ्रेंड ने कि कार्डबोर्ड लेके आओ। एक सेकंड, पहले मेरे को रखने दो जरा। ये जैसे ये कार्डबोर्ड रख के ना, और इसके अंदर ये रख के और पेपर्स वगैरह बिछा दे हम लोग, जो होते ना न्यूज पेपर्स। आज रखना इनको नहीं, अंदर सोने देना, सिर्फ कैंडी को रखना है। ये खोलना जरा। और कैंडी इसमें सोएगी? हाँ कैंडी सोएगी इसमें। पागल हो गई हो क्या? वो कभी नहीं सोएगी। मैं कह रही हूँ सोएगी, मेरी बात मानो। लेकिन ये तुम लाई कहाँ से हो? खरीद के लाई हूँ। अरे लेकिन कार्डबोर्ड और वो जो घर है उसमें फर्क क्या है? वो नहीं बैठ रही है, ये उनके लिए और सेफ जगह है। इसको हटाओ ना जरा, ये रात के लिए, इसके लिए एकदम सेफ जगह है, इनको सेफ्टी चाहिए। कैंडू बाबा चुना यार, लेकिन है तो बहुत अच्छा जुगाड़। हाँ तो ये लोग करते हैं। देखो चुना आपके लिए क्या लाई है मम्मा, अभी अखबार भी लेके आ रही है, अखबार को भी फाड़ के बिछाएंगे। इधर जाओ, देखो देखो क्या है आपके लिए नया। देखो आओ, जाओ जाओ अंदर देखो, वो देखो अच्छा है आपके लिए, देखो जाओ। ये है कि रात को, आज रात को अगर ये नहीं भी अभी बैठी थी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को कोको और चेरी को बाहर कर रहा है और ये यहाँ पे सोएगी। तो ये उनकी वजह से बच्चे नहीं दे रही है? हाँ। इसका लॉजिक? ये भी लॉजिक होता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ा डर लगता है कि मेरे बच्चे सेफ नहीं है या कुछ है। तो वो हमारे साथ सेफ्टी फील कर रही है। हाँ। तो लेटर भी, और मैं अभी थोड़ी अखबार भी लाके डाल देती हूँ, क्योंकि वो कुछ इनका वो होता है, आई थिंक अखबारों का श्रेडेड अखबार वगैरह डाल देंगे ना, तो इनका कुछ तो होता होगा उसमें। मेरे को बोला मेरी फ्रेंड ने, कहते ऐसे ही मेरे डॉग्स बच्चे देते हैं, उसकी बिल्लियां बच्चे देती है। अच्छा, तो अभी अखबार नीचे से लेके आती हूँ, देखती हूँ किसी के घर पे आस पास हो तो। ये कहाँ से मिला है तुम्हें? अरे भाई लेके आई हूँ। नहीं लेकिन बहुत सही साइज मिला है, लेकिन सही साइज लेकिन कटवा के लाई हूँ। सामने कारपेंटर भी काम कर रहे हैं ना हमारे घर के, बेचारों ने काट के बना के दिया मेरे को ये, तो ये तो पूरा था ना, तो कहा मैम आपको काट के दे देते हैं ऐसे, तो जिसमें अगर अंदर गई तो उसको सेफ्टी लगेगी। हाँ लेकिन सेफ्टी तब लगेगी जब तुम बगल में बैठी रहोगी, उठ के जाओगी निकल जाएगी वो। तो मैं अभी अखबार भी लेके आ रही हूँ ना, जरा दो मिनट दो मेरे को। अब ये देखो तुरंत भागेगी। कैंडू जाना नहीं है मम्मा, थोड़ी देर में
में आ जाएगी, ठीक है, आपके लिए अखबार लेने गई है। हाँ ऐसे ही बैठी हुई है, वेट कर रही है तुम्हारा। देखो मम्मा कल आई है और आपके लिए नेबर्स से लेके आई है। लेकिन ये तो कम है अखबार, मुझे लग रहा है और लगेंगे। कम और ज्यादा की बात नहीं है, ऐसे करना है बस। अच्छा मतलब गद्दा नहीं बनाना? नहीं, मुझे लगा प्रॉपर गद्दा बनाना है कागज का फटे हुए। स्प्रेड करना इसको। तो ये पेपर की स्मेल से एक्साइटेड होके बच्चे देते हैं? एक्साइटेड होके मतलब क्या, मुझे क्या पता क्या करके बच्चे देते हैं। एक्साइटेड होते हैं कोई कोई पेपर की स्मेल से एक्साइटेड होता है, बट मुझे नहीं पता कि क्या है नियम। हर नियम कोशिश कर रहे हैं अब हम, बट ये मैंने बहुत लोगों के तरीके देखे हैं ऐसा भी होते हुए, बट आज मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला तो मैंने कहा मैं ये भी करके आज देखती हूँ। फिर ये बैठी रही तो वेल एंड गुड, पढ़वाओगे थोड़ा सा साथ। ऊपर से खोल के डाल दो ना। नहीं नहीं इसके नीचे डालना ना, ऐसे डाल दो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। सोचो एक सेकंड बाल आएगा। नहीं नहीं उस अंदर डाल दो, आना नहीं चाह रही वो, लेट गई ना अंदर ही। हाँ। ऐसे डाल दो एडजस्ट हो जाएगी खुद ही, वो ऊपर से डाल दो तो करना। लेकिन ये ऊपर से खुलता है ना तो बड़ा चीटेड फील करती है वो। चीटेड फील कर रही है। यहीं से डालो ना, वो अपने आप उसके ऊपर बैठ जाएगी। कोने कोने में डालो, उसके ऊपर ही डाल दो ना, कैंडी के ऊपर ही, वो अपने आप उसके ऊपर बैठ जाएगी। तुम जरा रुकोगे एक सेकंड, मैं कर लूं, मैं ही बैठ जाऊं उसके ऊपर, करना कराना कुछ है नहीं। इसमें कार्डबोर्ड में पीछे से कुछ एसी का वायर पाइप वगैरह डालना है कि थोड़ा ठंडी हो जाए। अरे ठंडवा चाहिए नहीं, हमको भी आज बंद करना पड़ेगा एसी। एक छोटा कूलर आता है मोटर से चलता है वो लगा। बंद करना, बंद करोगे मैं बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। वैसे भी कैंडी तुम्हें देखना नहीं चाह रही है, मैं समझ गई हूँ। कैंडी नहीं देखना चाह रही मुझे, अब कल कोई इल्जाम डाल दोगी कि मेरी वजह से बच्चे नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह हो सकता है, तुम्हारी वजह से मैं ना दे रही हूँ। She doesn't like you. All set, गुगलू। अरे गुगलू अच्छा नाम मिला है बच्चे का, गुगलू अच्छा नाम है ना, देखते हैं। पहले ये चुगलू तो कुछ करे, रात को तो डेफिनेटली आज मैं इसके अंदर कर दूंगी और मैं इसको ऊपर नहीं लेने वाली कितना भी रोए। नहीं अगर तुम यही गद्दा लगा लो और इसको अंदर रहने दो तो वो गद्दे पे आके सोएगी। अच्छा यही तो हो रहा है, हमारी सारी जितनी भी साजिशें हैं वो नाकामयाब कर रही है, वो हमसे भी बड़ा षड्यंत्रकारी होता है कि तुम सब कुछ कर लो मैं नहीं दूंगी। और ये ऐसे मोमेंट भी देगी जब हमने सोचा भी नहीं होगा, हम खेल रहे होंगे और साथ में बच्चा पड़ा होगा सडनली, ऐसा होगा। मम्मा थोड़ा सा काम के लिए गई थी ना राजा। अरे बहुत दुखी होके पड़ी हुई थी तब से, पता है अभी क्या करूँ ना, काम खत्म करना जरूरी था। हाँ मेरा बाबू आ गए मम्मा आ गई। मम्मा देखो कैसे आई है, कोई नहीं रोएगा बेटा। बेटा कहाँ है बच्चों में, नहीं रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं। आप क्यों रोए हो चेरी, आप छोटे बच्चे हो क्या, एकदम ऐसे कौन रोता है। हाँ मम्मा आ गया केंजू। अरे मम्मा आ गया बच्चों का। अरे और ये ऐसी बोधी अब क्यों गई हुई है, तो पीछे वो भी आ रहा है कब्रिस्तान का चौकीदार। वो ऐसे ही चलता है जैसे रात में ना कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूँ। धीरे 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 हॉरर फिल्म में होता है ना, चौकीदार बूढ़ा हो जाता है कब्रिस्तान में। हाँ। 70 साल से चौकीदारी कर रहा है, वही जो राम से की फिल्म बनती थी ना। हाँ। तो मेरे को मेरी डॉक्टर से बात हुई आज और डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आपको कम से कम अभी आज फ्राइडे है ना। हाँ। सैटरडे संडे मंडे तक वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को ही होना चाहिए, इन तीन दिन में अगर नहीं हुआ देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी भी टाइम है यार। लेकिन ये 3 दिन तो बहुत क्रूशियल है यार, मेरी डॉक्टर से बात हो गई। क्योंकि क्योंकि सोनोग्राफी की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग टाइम उस वाइज काउंट करें तो वो करेक्ट चल रही है। तो बस प्रॉब्लम ये है कि अगर अगले 3 दिन में होने चाहिए तो कल तो नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि आज तो दबा के खाना खाया उसने अभी भी। Oh, no. खाना खाया इसने दबा के। बेटा खाना छोड़ना तो हमें पता लगे कि तू कुछ करेगी। अब खाना छोड़ते हैं ना डिलीवरी से पहले, तुम खाना खाई जा रही हो, माँ भी खाना नहीं छोड़ पा रही, बच्चा भी खाना नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे कैसे चलेगा बच्चों ना। घूमी जाना मम्मा के साथ, नीचे जाना घूमी करके जाना, ले जाना ठीक है इसे। और इसी टाइम इसको मतलब ये है कि अब मैं नीचे जाके करूंगी जो करूंगी, इतनी परफेक्ट तो कभी भी नहीं थी। माँ बन गई ना तो डिसिप्लिन हो गई है। जाना है क्या मम्मा के साथ घूमने? अभी नहीं पहले खाना खा लो, खाना खा लो, नहीं तो पीछे वाला कुत्ता सुन लेगा ना तो भी रंग बदल लेगा अपना। सुना नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देती हो। खाना खा लिया तुमने, उसे पता चल गया है ठीक है, अब उसकी भूख मिटाओ। मेरा रोज का यही रहेगा। क्या चाहिए, कल तुमने इसको बहुत बुरा पागल बनाया था, अब आज तो बारिश भी नहीं हो रही ना तो धोखा देना। अब क्या दो पोनी करके बैठी हुई है तब से कि घूमने जाएंगे, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, उसे और क्यों छेड़ रही हो, ये क्या बोल। मैं बता इसने आज
क्या किया? क्या नीचे बुरी तरह से बिल्ली से लड़के आई है। क्या बात कर रही हो? हाँ, बिल्ली से लड़ पड़ी जो नीचे बैठी रहती है। इसकी बॉल बिल्ली में जाके गिरी। हाँ। और बिल्ली ने अपना पंजा ऐसे किया और ये उस पर कूद गई कि ये तो मेरी बॉल है, मैं तो बॉल लूंगी। तो बिल्ली अपनी प्रोटेक्शन में इससे लड़ी। क्या बात कर रही हो? तो मारा इसको क्या? नहीं, ये भी इसने पीटा बिल्ली को। ये तो नहीं पीट पाएगी मुझे लगता। नहीं, दोनों ने एक दूसरे को मारा। लेकिन उसने तो फाड़ दिया होगा उसको। उसको तो पंजे शार्प होते हैं। चेरी मुदी का। अरे आँख से खून निकल रहा है। हाँ, मार दिया बिल्ली ने। ओ शिट, मैंने तुम्हें बोला ना ये बिल्ली से लड़ पड़ी है। दे जल्दी दो कॉटन दो। अरे रे रे, मानती भी तो नहीं है ना यार। देखो आँख के अंदर तो नहीं लगी है। ये बॉल के लिए किसी भी हद तक जाती है ये। मतलब ये समय ये टेंशन देनी जरूरी है क्या? मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको कल से। लगा है बेबी? अंदर तो नहीं लगा। बहुत त्रास देती है लड़की यार। डिटॉल लगाना है क्या? नहीं, डिटॉल नहीं लगाना। अभी साफ करके देखिए। अभी भी इसको बॉल की पड़ी है। दीदी मेरे चश्मा देना, मेरे को ध्यान से देखने दो और लाइटें और जलाओ। ये ब्लड इतना तो देखो ना निकला। हे भगवान, बिल्ली से लड़ने की क्या जरूरत थी यार? अब मैं तुम्हें आके इसकी शिकायत करी हूँ कि इसने ऐसा किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मार दिया बिल्ली। मेरे को बस ये देखना है कि कहाँ कटा है, कहाँ लगा है इसके। ये जो इसकी आँख के ऊपर ये गोली निकली हुई है, इस पे लगी है क्या? ये जो इसका एक्स्ट्रा मास है। हाँ, यहाँ साइड पे देखो, यहाँ लगा है क्या? मैं देखती हूँ, चश्मा पहन लो। आँख के अंदर तो नहीं लगी ना? देखने दो मेरी आँख के अंदर। वो सब जो उसके है ना कचरा वगैरह, वो निकालो जरा, तो पता चलेगा यहाँ मारा है क्या। देखती हूँ, अभी तक नहीं समझ आ रहा। नहीं लगी ना? कौन सी आँख है? इधर वाली आँख के अंदर जाना चाहिए भाई। पानी आँख के अंदर नहीं जा रहा है, बंद कर ले रही है वो। सिरिंज से मारो आँख में ठंडा पानी। ऐसे सिरिंज से इंसान भी ऐसे मारता है ना? कुछ नहीं होएगा। अभी मैं डॉक्टर से पूछती हूँ क्या करना है। इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा भाई इसको। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा बीच बीच में ना, अपनी आँख छोटी कर रही हो। लगी है ना? हाँ, तो अभी उसको पेन हो नहीं रहा होगा। अभी उसको पेन होगा, पता है जब उसको असर पता चलेगा। थोड़ा देना। बस ऊपर जहाँ दिख रहा है ना, यहाँ निशान वहाँ लगाना। सुनती नहीं है, किसी की नहीं सुनती है, पागल हो जाती है बॉल देख के। मैं क्या करूँ? नहीं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, वो तो जानवर है, हम तो इंसान है। ऐसी जगह बॉल फेंको ही मत जहाँ बिल्ली हो। बात करो, वो बिल्ली बैठी होती है वहाँ पे हमेशा। चेरू ये देखो, पैराशूट ऑयल चाट रही है, इसमें भी इसको खाने पीने की पड़ी हुई है, पागल कहीं की। दोस्तों हम लोग आ गए रूम में, चेरी को पैराशूट ऑयल वगैरह लगा दिया है, इधर थोड़ा ठंड में लेके आए। देखो ये यहाँ बैठी हुई है और अंदर कैंडू मामा बैठा हुआ है। ऐसे करेगा आगे से? ऐसा करेगा तू चेरू? मम्मा को कितना डरा देता बेचा। और अब इस कंडीशन में हमको चेरी को आज बाहर चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई, डॉक्टर भी बोल रहा है कि बाकी डॉग्स को दूर रखो, वो इनसिक्योर है, इसलिए शायद उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और आज ये करके देखेंगे, इसको बाहर सुलाएंगे, आज कोको को भी बाहर सुलाएंगे, एंड लेट्स सी। और ये यहाँ पे सोती है कि नहीं, ये तो रात को ही पता लगेगा। बाकी आप लोग को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। अच्छे खासे मूड का ना इसे दही कर दिया। उसकी गलती नहीं है यार। आई नो इसकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा छिछोरा कुत्ता भी तो किसी का नहीं होता ना। नहीं, मालिकों का थोड़ा बहुत रंग आ जाता है। एक सेकेंड इधर आओ। एक मिनट ये मियाऊ वाला मैंने नहीं देखा था जिसमें मियाऊ लिखा हो। तो पहले से ही है, पुराना है। तुम तो कह रही थी भाई बहुत इम्पोर्टेंट काम में हूँ। ये तो पहले से रखा हुआ है घर में। ये मुझे जितने नाइट सूट बेचने वाले इनकी FIR करानी पड़ेगी, मेरी बीवी को गुमराह कर रहे हैं। चेरू मामा ठीक हो जाएगा बेटे, ठीक हो जाएगा।